सासू माँ मेरी आई है और जिसका मुझे था इंतजार। तो देखिए मैं बोली थी कि आप लोग को अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम राम नारायणम जानकी बल्लभम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जवे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मौनी अमावस्या कब है। मौनी अमावस्या के दिन हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमारे द्वारा हो जाती है, अनजाने में हो जाती हैं, तो वो कौन सी 10 गलतियां मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो कौन सी 10 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। कौन सी ऐसी एक चीज है, वस्तु है, जो हमें अमावस्या के दिन नहीं खरीदनी है, और अमावस्या के दिन कौन कौन सी चीजें सुहागन महिलाओं को जरूर दान करनी चाहिए। इसी प्रकार के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और सबसे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मिलवाना चाहती हूँ अपनी सासू माँ से। और इसके पहले आप मेरा 2 ब्लॉग देख चुके होंगे जिसमें मैं हर चीज शेयर कर चुकी हूँ। सासू माँ मेरी आई है और जिसका मुझे था इंतजार। तो देखिए मैं बोली थी कि आप लोग को मिलवाऊंगी, कौन आने वाला है, तो ऐसे तो आप लोग जान चुके हैं। तो सासू माँ मेरी आई है और आप बहुत सारी बहनें मेरी कमेंट करती थी, दीदी आपकी सासू माँ कब आएंगी और कब हम लोग फिर मिलेंगे, पालक की साग की रेसिपी जानेंगे। तो कोशिश करूंगी उनके साथ शेयर कर दूं, ठीक है। तो इनसे मिल लीजिए, मम्मी सब लोग को हाय तो कम से कम बोल दीजिए, अपनी बहनों को, लड़कियों को, बेटियों को। हाय मेरी बहनों, आ गई लड़कियां, मेरी बहुएं, आप हमारा आशीर्वाद आप लोग के साथ सदा बने रहे। हाँ। आप लोग इसी तरह हमको याद करते रहिए, और मुझे क्या चाहिए। मम्मी को आप लोग बहुत मिस कर रहे थे और बोले हैं कि आपकी सासू माँ बहुत सुंदर है, याद करते। तो देख लीजिए मेरी सासू माँ का साड़ी का लुक, आप लोग स्कर्ट का लुक देखे थे ना, आप सासू माँ का साड़ी का लुक देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो महत्वपूर्ण बातें हैं मम्मी ही बताएंगी कि हमें अमावस्या के दिन कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। और मैं तो बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मम्मी बताएगी। तो बताइए मम्मी की कौन कौन से कार्य अमावस्या के दिन हमें नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला है कि सूर्योदय से पूर्व हमें उठ जानी चाहिए ना अमावस्या के दिन। पहले सूर्योदय के पहले हमको बिस्तर छोड़ देना है। हाँ। उठ जाना चाहिए। हाँ। और उस दिन अमावस्या के दिन हमको बाल नहीं धोना है। दूसरा, हाँ, दूसरा महत्वपूर्ण नियम क्या है कि अमावस्या के दिन किसी भी लड़की हो, महिला हो, कोई भी, हाँ, बाल हमें नहीं धोनी है ना मम्मी। हाँ। यही ना, बाल नहीं धोनी है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि अमावस्या के दिन हमें बालों में कंघी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? टूटनी चाहिए। हाँ, बाल टूटना नहीं चाहिए। बाल जो तो बाल टूटता है ना, उतने सुहाग कमता है, इसलिए बाल टूटना जरूरी नहीं होता है। और आप लोग कहती है दीदी बहुत जरूरत है, ऐसे है वैसे है, तो आप लोग कोशिश करें कि अमावस्या के दिन एकदम बाल ना धोए। किसी भी प्रकार का बाल धोना हो वो आप लोग देख लीजिए, पहले धो लीजिए। अमावस्या जो नक्षत्र पड़ता है उससे पहले धो लीजिए। जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं ध्यान रखेंगी, और लड़कियां भी पक्का ध्यान रखेंगी, बहुत जरूरत पड़ जाए तभी धोएं, लेकिन अवॉइड करें, अगर बचे तो बचाइए। तो ये हो गया हमारा एक और नियम। अगला नियम क्या है? अमावस्या के दिन हमें रुई के मतलब बिस्तर पे नहीं सोनी चाहिए। रुई जैसे बहुत सारे लोग बैगन वगैरह खा सकते हैं अमावस्या के दिन, नहीं खाते हैं ना बैगन, मूली नहीं खाते हैं, मसूर का दाल दान भी नहीं कर सकते। और अमावस्या के दिन दान तो करते हैं, दान नहीं, बैगन मसूरी का दाल ये सब दान नहीं करते। और अमावस्या के दिन हमें रुई के गद्दे पर नहीं सोनी है, और बैगन मूली मसूर की दाल वगैरह हमें दान भी नहीं करनी है, और अपने घर में पकानी भी नहीं है, बनानी भी नहीं है, सब्जी वगैरह ना बनाए, बच्चे तो जरूर बचाइए। और अमावस्या के दिन आगे हमें क्या क्या ध्यान रखनी है? तो दान, अगर आप जो भी चीज दान करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, जो ही आप चाहते हैं दान करना, वस्त्र हो, कपड़े हो, बर्तन हो, अनाज हो, सामान हो, श्रृंगार की चीजें हो, आप दान कीजिए। पैसा रुपए का भी दान कर सकते हैं, अगर देने का कहीं जगह नहीं है कोशिश कीजिए कि अनाज का दान करें, लेकिन अगर जगह दान होता है
हाँ जगह नहीं है तो मम्मी पैसे का भी कर सकते हैं। पैसे का कर सकते हैं, लेकिन दान में अन्न को महादान माना गया है। अन्न को ही महादान माना गया है, तो अगर देने का जगह है तो आप लोग जरूर अन्न का दान कीजिए। तो मंदिर में दे देते हैं, नहीं हो पंडित लेने वाले तो पैसा दान करते। और दान करके मम्मी किसी को बताते नहीं है ना? नहीं, दान करके किसी को बताया नहीं जाता है। सुन लीजिए अपने से बड़े लोगों की बात है, तो इन्हीं लोग से दान किए है, किसी को बताने से ना वो मिलता नहीं, गुप्त रखते हैं, वो नष्ट हो जाता है दान। दान आपका बेकार हो जाएगा, तो किसी से बाह बही ना करे कि अरे हम तो 5 kg चावल का दान कर दिए। तो किसी भी प्रकार के दान आप किसी के साथ शेयर ना करें। दान कर रहे हो, दूसरों को क्यों प्रचार करना है, नहीं बताना है। तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि अमावस्या के दिन हमें कभी भी अपने घर में मांस मछली बैगन और मूली, तो मैं बता ही चुकी हूँ, मांस मछली का भी सेवन नहीं करनी चाहिए। सभी को ध्यान रखनी चाहिए इस बात का कि अमावस्या के दिन आप कभी मांस मछली का सेवन ना करें। एक दिन पहले भी ना करें, हाँ। क्योंकि कल अमावस्या है, हमको दान करना है, हाँ। एक दिन पहले भी मत खाएं। तो ये भी हो गया, तेल मत लगाएं अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन अगला क्या नियम है कि तेल नहीं लगानी, किसी भी प्रकार का तेल, कोई तेल हो, सरसों नारियल किसी भी तेल, ना बाल में लगाएं ना देह में लगाएं, नहीं लगानी है, ठीक है? ध्यान क्रीम लगा सकती है लेकिन तेल नहीं लगा। बॉडी लोशन वगैरह आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन क्रीम वगैरह लगा सकते हैं, तेल ना लगाएं, एकदम बच के रहिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये भी हो गया। अगला नियम क्या है कि अमावस्या के दिन जब तक आप दान नहीं कर लेते हैं, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, मम्मी के दान जब तक नहीं कर लेंगे, स्नान जब तक नहीं करते, मौन रहना है, चुप रहना है, एकदम चुप, किसी से कुछ भी बोलना नहीं। नहाने के पहले अपना दान किया हुआ सामान निकाल करके रख लेते हैं, दान के लिए सभी वस्तु निकाल कर रख लीजिए, तब नहाने स्नान करने जाते हैं, ठीक है? स्नान करके जो भी वस्त्र छुएंगे वो दान में आ जाएगा। जो अनाज या जो ही चीजें आप छूते हैं ना, वो दान माना जाता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। स्नान करने से पहले अपने दान की चीजें निकाल कर एक जगह रख ले, रात में ही रख लीजिए जब आपको समय मिलता है, और रख के तब आप मौन रहिएगा जब तक स्नान करके आप लोग दान नहीं कर लेते, किसी से कुछ नहीं बोलनी है। मौनी अमावस्या का सबसे नामे है इसीलिए कि मौन रहा जाता है। मौनी अमावस्या का सबसे महत्वपूर्ण, सारा दिन कोई मौन रह नहीं पाता, कम से कम दान करते समय तो मौन रहे, रखने वाली बात है कि हमें मौन रहनी है, ठीक है? पूरा दिन हो सके तो आप रख सकते हैं, धीरे धीरे बोलिए, कम बोलिए, लेकिन दान और स्नान से पहले मतलब जब तक कर नहीं लेती है तब तक आपको बिल्कुल मौन रहना है, ठीक है? तो ये भी क्लियर हो गया। अगला चीज क्या है कि मौनी अमावस्या के दिन हमें सूर्योदय से पूर्व उठकर, अगर आप नदी सरोवर में जाते हैं तो आप जा सकते हैं, गंगा स्नान बहुत अधिक मतलब अच्छा माना जाता है, और दान के लिए पूर्णिमा और अमावस्या दोनों तिथि मम्मी बहुत महान है ना, दान के लिए बहुत महान तिथि मानी गई है, तो आप लोग दान एकदम कर सकते हैं, जितना चाहे जो चाहे जैसा चाहे आप लोग दान कीजिएगा, ठीक है? जो ही 2-4 रुपए जितना के लायक आप है जरूर कीजिए। तो ये भी हो गया। अगली चीज क्या है कि अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद अगर आप बाहर जाते हैं स्नान करने तो भी ठीक है, घर में भी मम्मी गंगा जल मिला के कर सकते हैं। और आप लोग कहते हैं दीदी गंगा जल मिलता नहीं है, तो नहीं मिलता है तो आप साधारण जल से भी स्नान कर सकते हैं। किसी पात्र में पानी रख के आप स्नान कर रही हैं, उस पात्र में पहले गंगा जल डाल दीजिए और तब पानी डालिए, है तब, नहीं है तो नहीं है तो खाली केवल पानी से ही कर लीजिए। माघी अमावस्या इसका नाम है, तो बहुत सारे लोग तिल डाल के भी स्नान करते हैं, और मौनी अमावस्या कई नामों से जानते हैं। अमावस्या के दिन तिल भी दान किया जाता है, चार का पूरा सामान, आप शैम्पू साबुन सरफ और पानी साड़ी कपड़ा सब दे सकते हैं। और अमावस्या के दिन और कुछ दान करे या ना करे, आटे का दान किया जाता है, सिंदूर का दान किया जाता है, और श्रृंगार की चीजें जो चाहे, चावल नहीं दिया जाता, चावल नहीं, अमावस्या के दिन आटा का दान किया जाता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। हर महिलाएं आटा और सिंदूर का दान जरूर कर लीजिएगा, और कुछ दक्षिणा मुद्रा पैसा भी दे सकती है। तो ये भी हो गया। अगली चीज क्या है कि अमावस्या के दिन हमें गलती नहीं करनी है। अमावस्या के दिन नियम है कि ठंडे जल से स्नान किया जाता है, तो जो नदी सरोवर में जाते हैं तो गंगा जी का जो पानी होता है, जल होता है, वो तो ऐसे ही गर्म रहता है, लेकिन घर में मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं। शरीर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कोई भी कार्य करना है। और स्नान के बाद अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है, स्नान के बाद हमें आग नहीं तापनी है, ठीक है?
बहुत सारे लोग ठंडी का दिन है तो आग मतलब सेकने लगते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सारे लोग हाथ से ऐसे ऐसे सेकने लगते हैं ना, तो आग अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन आग न जलाएं। आग जला करके तापना नहीं है, गैस जला करके तापे नहीं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सभी गलतियां आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। हुआ खटिया पर नहीं अमावस्या के दिन बैठते हैं। हाँ, जो खटिया बुनते हैं ना रसरी से, रसरी से, हाँ, तो उस पर नहीं बैठते हैं, चेयर पर बैठ सकते हैं। सुन लीजिए मम्मी से, तो बहुत सारी बहनें मेरी कमेंट की थी कि दीदी मौनी अमावस्या की रजाई नहीं उठते हैं, रुई अला तोशक पर नहीं सोते हैं। आप वीडियो नहीं डाल रही है तो इसलिए सोची कि मम्मी के साथ बैठ के वीडियो बना लेते हैं, और अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, मान लीजिए कभी कमेंट नहीं दे पाती हूँ, तो आप लोग दुखी मत होइएगा, नाराज मत होइएगा, सबकी मजबूरी है, समय नहीं दे पा रही हूँ, और बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई अगर समय पे नहीं दे पा रही हूँ तो इसके लिए दिल से माफी। और अगली चीज क्या है कि अगर आप वीडियो सासू में आ गई है तो रहती है काम, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा वीडियो को, तो हर चीज का उत्तर आपको वीडियो के अंदर ही मिल जाएगा, तो इसलिए प्लीज कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन मत पूछिएगा, नहीं तो मैं समय पे आंसर नहीं दे पाऊंगी, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसी चीज हमें नहीं खरीदनी है मम्मी अमावस्या के दिन, झाड़ू नहीं खरीदनी, अमावस्या के दिन झाड़ू हमें नहीं, झाड़ू लक्ष्मी होती है इसीलिए झाड़ू नहीं खरीदते, अमावस्या अंधेरा में नहीं खरीदा जाता है, तो आपको अमावस्या के दिन झाड़ू नहीं खरीदनी है। अमावस्या के दिन हमें दान करनी है, और सिंदूर लगाया जाता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन नहीं लगाया जाता है, दान कर ले फिर लगा सकती हैं, और पूर्णिमा के दिन बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं, और कई लोग अमावस्या को भी नहीं लगाते हैं, तो आप अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार ही कीजिएगा, तो ये भी हो गया। अमावस्या को सुहाग कमता नहीं है, लेकिन पूर्णिमा को सुहाग कमता है, तो इसलिए अमावस्या को सिंदूर लगाते हैं। बाद भगवान विष्णु जी ने सुहाग को जोखते हैं, इसका कितना सुहाग खत्म हो गया, कितना सुहाग अभी है, इसीलिए सुहाग को बढ़ाना जरूरी होता है, तो इसलिए अमावस्या के दिन बाल वगैरह भी कम आप लोग कंघी करें, जितना बाल टूटेगा उतना ही आपके लिए नुकसानदेह होता है, सुहाग कम होता है, तो इसलिए श्रृंगार वगैरह करें, लिमिट में करें, ये भी क्लियर हो गया। बाल खुले नहीं, कहीं जाना है तो ऊपर से ऊपर झाड़ लें, लेकिन बाल को खुले मत कि उसमें से बाल टूटे। तो अगली चीज क्या है कि चलिए आगे जान लेते हैं कि अमावस्या पड़ा कब है। जनवरी में माघी अमावस्या और मौनी अमावस्या के नाम से हम जानते हैं इस अमावस्या को, और अमावस्या तिथि और पूर्णिमा अपने में महान तिथि मानी जाती है, दान के लिए सभी को मालूम है, तो अमावस्या जो है 21 जनवरी को पड़ा है, दिन क्या है शनिवार, इसको आप शनिचरी अमावस्या के नाम से भी कह सकते हैं, इस दिन पीपल पूजा करने का बहुत अधिक महत्व है, तो आप चाहे तो पीपल पूजा शनिवार को, ऐसे भी हम वासुदेव जी को शनिदेव को जल देते हैं जिनके ऊपर सरसाती और शनि की ढैया रहता है, तो आप लोग देख लीजिएगा आप जल वगैरह सूर्योदय से पूर्व हमें देनी है, अगर नदी गंगा घाट आप लोग गए हैं, अगर पीपल वृक्ष है तो वहां भी पूजा कर सकते हैं ना मम्मी, कोई भी मंदिर हो तो पूजा करके आनी चाहिए, मंदिर को पाछ डाल के हमें नहीं आनी चाहिए, जरूर वहां भी पूजा कर लीजिए फिर हमें घर वापस आनी चाहिए। अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो सोमी का गाछ है ना, हाँ, तो सोमी गाछ को शनि भगवान 24 घंटा सोमी गाछ पर रहते हैं, सोमी गाछ को दिया बार सकते हैं, जल दे सकते हैं। हाँ, अगर पीपल वृक्ष आपके आसपास नहीं है, नहीं गिरते नहीं है, तो आप सोमी गाछ तो घर घर लोग लगाते हैं, गमला में पूजा कर सकते हैं, गमला में लोग लगाते हैं, उनको जल दे दीजिएगा, शाम को दिया बार दीजिएगा, ये भी क्लियर हो गया। नहीं मिलता है तब कोशिश करें कि पीपल वृक्ष की पूजा करें, 5 या 7 परिक्रमा भी आप लगा सकते हैं, तिल डालकर लोटे में अक्षत, और सब मैं बता चुकी हूँ, और तिल और गंगा जी गंगा जल डालकर जल देते हैं, शनि शनिश्चराय नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः बोलते हुए मंत्र को आप लोग जल दे सकते हैं, सारी डाउट क्लियर हो गए, सारी बातें क्लियर हो गई, तो चाहे पिंड दान करना अमावस्या के दिन, बहुत सारे लोग पितृ दोष जिनके ऊपर रहते हैं या जो अपने पितरों के निमित्त कुछ करना चाहते हैं, तो अब गंगा घाट पे जाके ब्राह्मण के द्वारा करवाया जाता है, आप लोग कहते हैं कैसे किया जाता है, तो आप ब्राह्मण से पूछ लीजिएगा, और आप जो चाहे तर्पण वगैरह कर सकते हैं जब स्नान करने जाते हैं, तो सारी बातें मैं आप लोग के साथ क्लियर कर दी, समझ में आ गया, तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए, और एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान ने की जय।